इसका कई सारे इसके गुण हैं। ये वास्तव में अमृत है। ये बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है, जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। इसके द्वारा आपके अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वह स्ट्रॉन्ग होती है। यह सूजन को कम करती है। कितनी भी भयानक सूजन है, यदि आप कुमारी यह सब को पी लेते हैं तो लीवर की वजह से यदि शरीर के अंदर कहीं भी कहीं पर भी सूजन है तो उस सूजन में भी इससे आपको पूरा लाभ होता है। तो स्वेलिंग को दूर करने के लिए भी आप इस घृतकुमारी का प्रयोग कर सकते हैं। और कान में दर्द के लिए भी एक ऐसा चमत्कारिक प्रयोग है, यदि इसको थोड़ा सा गर्म करके इसके जल को यदि आपके दाएं कान में दर्द है बाएं कान में डाल कर देखिए, तुरंत दाएं साइड का कान का दर्द बंद हो जाएगा। हालांकि जिस साइड में दर्द होता है उसी तरफ औषधि डाली जाती है, पर घृतकुमारी इतना गुणकारी है कि दूसरे कान में डालने से भी दूसरे कान का दर्द ठीक हो जाता है, यह अनुभूत है। इसके अतिरिक्त यह हार्मोन्स को भी ठीक करता है आज, और जो एनीमिक हैं, जो एनीमिया है वह भी इससे ठीक हो जाता है। आज हमारी माताओं बहनों में दो परेशानियां हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। एक तो है पीरियड्स की प्रॉब्लम। माताओं बहनों को रेगुलर पीरियड नहीं होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को असमय में होता है, किसी को बहुत दिन बाद होता है। उन सारी स्थितियों में भी हमारी माताएं, हमारी बहनें इसको आप आराम से प्रयोग करिए। घृतकुमारी आपके तन को ठीक करेगा, आपके अंदर के रोगों को भी दूर करेगा, और यह आपके तन को भी सुंदर बनाएगा, आपके शक्ल और आपके चेहरे को भी सुंदर बनाएगा। उसके लिए आप इस घृतकुमारी का प्रयोग करिए। यदि जो नियमित रूप से घृतकुमारी को माता बहनें जो सेवन करती हैं वह उनको पीरियड संबंधी भी जो परेशानी है वो नहीं रहती है। जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती हो, घृतकुमारी के गुदे में थोड़े से गेरू का पाउडर लगभग 10-20 ग्राम घृतकुमारी के गुदे में आप लगभग 2-3 ग्राम गेरू का पाउडर मिला करके प्रातःकाल सेवन करें। इससे ओवर ब्लीडिंग ख़त्म हो जाएगी। और जिन पुरुषों को या माताओं बहनों को भी ब्लीडिंग वाली पाइल्स की शिकायत है वो लोग भी इसका सेवन करें, तो इससे जो ब्लीडिंग वाली पाइल्स की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि रोक ही नहीं पा रहे हो आप, तो उस समय पर लंगोटी बना करके यदि आप बांध भी लेते हैं तो बांधने मात्र से भी ब्लीडिंग में फ़र्क पड़ता है। आप प्रयोग करके देखिए, आपको इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप घृतकुमारी में थोड़ा सा गेरू मिला करके आप लंगोटी बना करके बांध लें, तो उससे इतनी इसके अंदर क्षमता है कि बाहर बांधने मात्र से अंदर की जो ब्लीडिंग है वह रुक जाती है। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है ब्लीडिंग को ख़त्म करने के लिए। तो आज की जो परेशानी है, जो एनीमिक है, इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। गेहूं का जवारा भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं का जवारा और घृतकुमारी दोनों ही मिला करके यदि आप रस निकाल करके उसको पीते हैं, जैसा कि मैंने कहा आश्रम में भी आपको इस घृतकुमारी का एलोवेरा का जूस आपको मिल जाएगा, हमारे सेवा केंद्रों में मिल जाएगा। प्रयत्न करिए कि ताज़ा मिल जाए, तो उससे बढ़िया तो कोई बात हो नहीं सकती। आप घर में भी इन पौधों को, इस घृतकुमारी को लगा सकते हैं। आप उसको लगाइए और उसका प्रयोग कीजिए। तो पीरियड्स की या मैंने जैसे कहा कि हार्मोन्स की परेशानी में भी यह बहुत ही गुणकारी है।